अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पालक कीमा। पालक कीमा बनाने के लिए मैंने एक प्याला ऑयल लिया है, दो मैंने इसमें मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी हैं, एक चाय का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, डेढ़ पाव के करीब कीमा है मेरे पास, वो ऐड कर दूँगी मैं इसमें। दो मैंने छोटे साइज़ के इसमें टमाटर डाल दिए हैं काट के, एक चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च जाएगी इसमें, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी जाएगी, आधा चाय का चम्मच इसमें धनिया जाएगा पिसा हुआ, नमक इसमें हसबे जायका डालिएगा क्योंकि पालक में भी नमक होता है तो कम ही ऐड होगा इसमें नमक। तीन खाने के चम्मच इसमें दही ऐड करूँगी। अब ये सब मसाले मिक्स करके इसको अच्छी तरह भून लीजिए। फिर जब ये सारे मसाले भून जाएं, ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो थोड़ा कीमे को गलने के लिए छोड़ दें। देखिए कीमा हमारा भुनाई पे आ गया है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। ये मेरे पास हाफ के जी से थोड़ा कम पालक है और इसको मैंने अच्छी तरीके से पहले धो लिया था, फिर इसके बाद मैंने इसको काटा। अब दोबारा इसको मैंने पानी में भिगो दिया है ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाएगी। इसको अच्छी तरह से तरीके से वॉश किया जाता है पालक को। और अब मैं ये कीमे में ऐड कर दूँगी। ये देखें कीमा हमारा भुनाई पे आ चुका है। पालक में अपना भी पानी होता है, पानी बहुत छोड़ता है पालक और कीमा भी जल्दी गल जाता है। एक कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और अब इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। बस जब ये भुनाई पे आ जाएगा, पालक भी गल जाएगा और कीमा भी गल जाएगा, तो मैं इसमें हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला डाल के इसकी भुनाई करूंगी और हमारा बहुत अच्छा सा पालक कीमा रेडी हो जाएगा। कीमा हमारा हाफ डन हो चुका है। इसको रेडी होने के लिए बस 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाएगा। मैं इसमें ये हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी, आधा चाय का चम्मच इसमें पिसा गरम मसाला जाएगा। पालक कीमा भुनाई के लिए रेडी हो चुका है हमारा। देखें इसका पानी खुशक होने वाला है, बस अब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई होगी। इसमें मैंने हरी मिर्ची और पिसा गरम मसाला ऐड करके इसको 6 से 7 मिनट और पकाया है। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं चूल्हा ऑफ कर दूँगी। ये देखिए हमारा पालक कीमा रेडी हो चुका है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। जब तक ये लगना ना शुरू हो जाए ना नीचे, तो इसको भूनते रहना है बहुत अच्छी तरीके से। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है।
पालक कीमा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपने सर्विंग प्लेटर में निकालती हूँ। देखिए हमारा साग कीमा रेडी है, इसको मैंने अपने सर्विंग प्लेटर में निकाल लिया है। सर्दियों की सौगात है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है ये सर्दियों में। अब मैं इस पर ये एक चाय का चम्मच बटर आप इस तरह डाल देती हूँ मैं इस पर। अगर मेरी आज की साग कीमे की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए, अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।